दुनिया काफी रफ्तार से बदल रही है। मन की शांति सबसे जरूरी है। मन की शांति में ही मन की शक्ति है। और जब बात मन की शांति की आए तो भगवान बुद्ध का नाम सबसे ऊपर आ गया। उन्होंने मन की शांति के लिए कई सारे उपदेश दिए। आज हम बात करेंगे भगवान बुद्ध के उस अंतिम स्थान के बारे में जहाँ पर महापरिनिर्वाण को प्राप्त हुए थे। कुशीनगर भारत के उत्तर प्रदेश राज्य के पूर्व में स्थित कुशीनगर जिले में एक नगर है। यहीं पर भगवान बुद्ध को महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ था। यहाँ पर अनेकों भव्य सुंदर बौद्ध मंदिर है। यहाँ पर हर साल विदेशी नागरिक बहुत भारी संख्या में आते हैं, इसलिए इसको इंटरनेशनल टूरिज्म भी कहा जाता है। यहाँ पर बुद्ध पूर्णिमा के समय महीने भर का मेला भी लगता है। कुशीनगर का इतिहास बहुत ही महत्वपूर्ण और गौरवशाली रहा है। मल्ल वंश के समय ये मल्ल वंशों की राजधानी हुआ करती थी और 16 महाजनपदों में से एक हुआ करता था। चीनी यात्री वेनसांग और फाययान की यात्रा में भी इसका जिक्र है। वाल्मीकि रामायण के अनुसार भगवान राम जी के पुत्र कुश जी की ये राजधानी थी, तब इसका नाम कुशावती था। जब मल्ल वंश की राजधानी थी तब इसका नाम कुशीनारा था। 6 BC की शुरुआत में भगवान बुद्ध यहाँ पर आए थे और उन्होंने यहाँ पर अपना अंतिम उपदेश दिया तथा महापरिनिर्वाण को प्राप्त हुए। इस पुराने जगह को चर्चा में लाने का क्रेडिट जनरल ए कनिंगम और एसीएल क्लाइन को जाता है, जिन्होंने 1861 में इसकी खुदाई करवाई। उस खुदाई के दौरान भगवान बुद्ध की लेटी हुई प्रतिमा तथा बहुत सारे स्तूप और रामभार स्तूप मिला, साथ ही साथ माथा कुंवर मंदिर भी मिला। तब से ये जगह भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के स्थान के रूप में जाना जाता है। कुशीनगर में जितने भी बौद्ध मंदिर है एक से बढ़कर एक भव्य और सुंदर हैं। आइए एक एक करके हम सभी महत्वपूर्ण मंदिरों और जगहों को जानते हैं। मेरा नाम है द हाइकर यस। वीडियो को अंत तक देखिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो आइए आगे बढ़। सबसे पहले हमारे सामने है गोल्डन स्तूफा, जापानी मंदिर या मंडपम। यह मंदिर गोल्डन कलर का दिखता है, बहुत दूर से दिखाई देता है। इस मंदिर में भगवान बुद्ध की अष्ट धातु की मूर्ति रखी गई है जो जापान से लाई गई थी। महापरिनिर्वाण मंदिर या निर्वाण मंदिर भी कहते हैं इसे। इस मंदिर में भगवान बुद्ध की 6.1 मीटर की मूर्ति रखी गई है जिसमें भगवान बुद्ध लेटे हुए हैं। यह सुंदर प्रतिमा चुनार के बलुआ पत्थरों को काटकर बनाया गया था। प्रतिमा के नीचे लिखे गए लेखों से पता चलता है कि यह प्रतिमा 5th century से बिलोंग करती है, यानी यह प्रतिमा 5वीं शताब्दी से संबंधित है। यह वियतनाम मंदिर जो बहुत ही खूबसूरत और यहाँ पर वियतनाम पद्धति से बनाई गई ये संरचना इस मंदिर की अपने आप में कला का स्वरूप है जो बहुत ही खूबसूरत है। यह ठीक गोल्डन स्तूपा के बगल में है। वाट थाई टेंपल, थाईलैंड का बना ये टेंपल, जहाँ पे थाईलैंड का ये बौद्ध मंदिर जो बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही अद्भुत दिखता है। यहाँ की बनावट संरचना सब थाईलैंड से संबंधित यहाँ पर चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी और यहाँ पर थाईलैंड के सजावट को देख करके आपको थाईलैंड की याद आ जाएगी जो बहुत ही खूबसूरत। माथा कुंवर मंदिर, यह मंदिर निर्वाण स्तूप के 400 गज दूरी पर है। यहाँ पर भूमि स्पर्श मुद्रा में भगवान बुद्ध की प्रतिमा है। इसके तल में खुदे हुए लेखों से पता चलता है कि यह प्रतिमा 10th century से बिलोंग करती है, यानी 10वीं शताब्दी से बिलोंग करती है। जापान श्रीलंका मंदिर, यह मंदिर जापान और श्रीलंका के द्वारा निर्मित किया गया है। इस मंदिर का प्रांगण बहुत ही खूबसूरत है और ईंटों जैसे संरचना। यहाँ पर बुद्ध भगवान का ये एक स्वरूप बनाया गया है जो बोधगया से संबंधित है, जो वट वृक्ष के नीचे बैठे हुए बुद्ध भगवान की एक सुंदर स्टैचू है, जो सिर्फ जैसे बुद्ध भगवान ने बोधगया में वृक्ष के नीचे तपस्या किया था। और यह मंदिर गोलाकार में है, बहुत ही खूबसूरत दिखता है ये मंदिर।
जापानी कला का ही है लेकिन एक नमूना है। रामभार स्तूप 15 मीटर ऊंचा यह स्तूप महापरिनिर्वाण मंदिर से लगभग 1.5 किमी दूरी पर है। माना जाता है कि यह स्तूप उसी स्थान पर है जहां पर भगवान बुद्ध को 483 BC में दफनाया गया था। इस स्तूप के बगल में एक माँ भवानी का मंदिर है। यह प्राचीन मंदिर में हिरण्यावती नदी के किनारे मल्ल राजाओं की कुलदेवी का मंदिर था जो आज माँ भवानी के नाम से प्रसिद्ध है। आप यहाँ पर आएंगे जब इस स्तूप के बगल में तो उस मंदिर के भी दर्शन हो जाएंगे। कुशीनगर आने के लिए आप रेलवे, बस और फ्लाइट तीनों जा सकते हैं। रेलवे से आने के लिए भारत के किसी भी कोने से आप गोरखपुर रेलवे स्टेशन पे आ सकते हैं। गोरखपुर से 53 किलोमीटर की दूरी में पूर्व में स्थित है कुशीनगर NH 28 पर, और साथ ही साथ फ्लाइट से भी आ सकते हैं। यहाँ पर 3 किलोमीटर की दूरी पर इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी है। वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट में बताइए कि वीडियो कैसा लगा। तब तक के लिए ओम बुद्धाय नमः। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।